तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं बोया के BY-M1 माइक की, जिसके बारे में लगभग हर एक यूट्यूबर आपको ये माइक है इसे यूज करने का सजेशन देता है। तो मैं इसे अमेज़न से परचेस कर रहा हूँ कुछ दिनों पहले। तो मैं सोचा कि मैं इसका एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो बना दिया जाए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों में से अगर कोई भी वीडियो क्रिएटर हो तो उन्हें इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो पता चल सके और उन्हें पता चल सके कि इसे उन्हें लेना चाहिए कि नहीं। तो अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है उसके बारे में मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बता नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो 1000 से 1500 के बीच में वैरी करती रहती है। जब मैं इसे अमेज़न से परचेस करा था तो मुझे इसके लिए 1200 रुपये पे करने पड़े थे। वहीं मैं कुछ दिनों बाद इसे जब खोला अमेज़न की लिंक जब खोला इस प्रोडक्ट की, तब मुझे ये केवल 1000 रुपये का दिखा, यानी कि मेरा जो 200 रुपये है वो लॉस हो गया। तो आप देख लेना कि आपको जब भी इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी कम लगे तो आप इसे परचेस कर सकती हो। साथ ही लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके इसे परचेस कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में हम करते हुए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि हमें इसके अंदर बॉक्स कंटेंट क्या क्या देखने को मिलता है। उसके बाद हम करेंगे इसका फुल रिव्यू और देखेंगे कि ये जो बॉय का माइक है ये अपने प्राइस को जस्टिफाई कर पाता है कि नहीं। तो चलिए वीडियो में हम करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमें यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है, जिसमें इस माइक को यूज करने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसके साथ ही हमें एक पाउच देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर हम माइक्रोफोन को रखकर कहीं भी उसे ले जाने के लिए कैरी कर सकते हैं, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। साथ ही पाउच के अंदर ही माइक्रोफोन की बाकी सारी एक्सेसरीज भी दी गई है। इसके साथ एक बैटरी दिया गया है जिसे की माइक्रोफोन में इंसर्ट करनी है। इसके साथ ही हमें एक एडेप्टर देखने को मिल जाता है, जिसका यूज हम बड़े बड़े स्पीकर में इस माइक्रोफोन को यूज करने में कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक क्लिप दिया गया है, जिसकी हेल्प से हम अपने माइक्रोफोन को अपने शर्ट या टी शर्ट में लगा सकते हैं। इसके बाद हमें एक फिल्टर देखने को मिल जाता है, जिसे हमें माइक्रोफोन में लगानी है, जिसके हेल्प से थोड़े बहुत बैकग्राउंड नॉइज जो है उसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं माइक्रोफोन की बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी भी मुझे इस माइक्रोफोन की काफी अच्छी लगी, काफी इंप्रेसिव बिल्ड क्वालिटी है। साथ ही इसकी एक और खास बात यह है कि इसकी जो वायर की लेंथ है ये काफी बड़ी दी गई है, जो कि काफी इजी होता है अगर आप दूर से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तो इसकी अगर वायर की लेंथ की बात करें तो ये करीब 20 फीट की है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो कैसी होगी। तो फिलहाल आप जो मेरी आवाज सुन पा रही हो ये आवाज आ रही है सीधे मेरे DSLR के माइक से। मैं अभी बोया का माइक उससे अपने DSLR से कनेक्ट नहीं किया हूं, तो आप अभी की जो ऑडियो क्वालिटी है इसे आप सुन सकते हो। इसके बाद जो ऑडियो क्वालिटी आएगी, इसके बाद जो ऑडियो आएगा वो आएगा मेरे बोया के माइक से। तो तो फिलहाल आप जो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो ये आ रही है सीधी मेरे बोया की माइक से। तो आप पहले की जो ऑडियो क्वालिटी थी वो और अभी की जो ऑडियो क्वालिटी है दोनों में फ़र्क देख सकती हो। पहले की ऑडियो क्वालिटी कैसी थी और अभी की जो ऑडियो क्वालिटी है ये कैसी है, ये तो अभी मुझे नहीं पता चल पा रहा, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो जब मैं सुनूंगा तो मुझे पता चल पाएगा कि इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो आखिरकार कैसी है। लेकिन मैं पहले भी एक बार सुन चुका हूँ बोया का ऑडियो क्वालिटी, तो मुझे इसका जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और आप भी देख लिए हो कि पहले जो ऑडियो क्वालिटी मेरी थी वो अभी के मुकाबले कैसी थी और अभी की जो ऑडियो क्वालिटी है वो पहले के मुकाबले कैसी है। तो दोनों में फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा, अभी की जो ऑडियो क्वालिटी है वो पहले के ऑडियो क्वालिटी के मुकाबले काफ़ी अच्छी आ रही होगी। तो अगर आप एक YouTube क्रिएटर हो, अगर आप YouTube पे वीडियोस बनाते हो और अगर आपको ये माइक जो है पसंद आया तो आप ये माइक परचेस कर सकते हो। लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और अगर आपका किसी तरह का कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो फ्रेंड मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।